बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने पीएम मोदी का एक महंगा तोहफा चोरी कर लिया है। कट्टरपंथियों ने पीएम मोदी का सोने और चांदी वाला मुकुट चोरी किया है। हिंदुओं पर लगातार अत्याचार कर रहे बांग्लादेश की इस घटिया हरकत को देख कई देश गुस्सा हो गए हैं। जिसने ये खबर सुनी है वो गुस्से से पागल हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश में पीएम मोदी द्वारा भेंट किया गया सोने चांदी का मुकुट चोरी कर लिया गया है। दरअसल पीएम मोदी ने 2021 में अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान एक प्रमुख हिंदू शक्तिपीठ जशोरेश्वरी काली मंदिर में सोने चांदी का मुकुट चढ़ाया था। पीएम मोदी ने मां काली को खुद ये मुकुट भेंट किया था, मगर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने इस मुकुट को चुरा लिया है। ये ना सिर्फ पीएम मोदी और भारत का अपमान है, बल्कि भगवान का भी अपमान है। आप देख सकते हैं कि कैसे शक्तिपीठ में स्थापित मां काली की मूर्ति पर पीएम मोदी मुकुट चढ़ा रहे हैं। मंदिर के पुजारी दिलीप मुखर्जी ने बताया है कि उन्होंने दिन की पूजा 2 बजे समाप्त करके मंदिर के पट बंद कर दिए थे। इसके बाद जब वो मंदिर की साफ सफाई करने के लिए पहुंचे तो देवी के सर से मुकुट गायब था। इस घटना के बाद बांग्लादेश स्थित भारतीय हाई कमीशन भी एक्शन में आ गया है। भारतीय हाई कमीशन ने कहा है कि हमें इस घटना की जानकारी मिली है, हमने कहा है कि मुकुट को तुरंत ढूंढा जाए और दोषियों पर एक्शन लिया जाए। इस चोरी की चर्चा दुनिया भर में होने लगी है। जानकारी के लिए बता दें कि मां काली का जशोरेश्वरी मंदिर 1000 से 1200 साल पुराना है। ये मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। पीएम मोदी 2021 में जब इस मंदिर में मां काली के दर्शन करने गए थे, तब उन्होंने कहा था कि जशोरेश्वरी काली मंदिर में देवी काली की पूजा करके मैं काफी खुश हूँ। जशोरेश्वरी मंदिर के आसपास हर साल एक मेला लगता है। पीएम मोदी बांग्लादेश में जब इस मंदिर पहुंचे थे तो उन्होंने वहां एक ऐलान भी किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि अगर बांग्लादेश चाहे तो भारत सरकार इस मंदिर के पास एक मल्टीपर्पस हॉल का निर्माण कर सकता है।